से बंगाल की मशहूर टीवी एक्ट्रेस है, टीवी एंकर है वो डीटी के। और दूसरी जो लड़की लिया गया वो है बॉम्बे की, बॉम्बे मतलब बॉम्बे में रह के काम कर रही है, बट वो एक रिपोर्टर के कैरेक्टर है। जैसे आप लोग रिपोर्टर तो मतलब समझिए इस जनरेशन की रिपोर्टर है। प्रॉब्लम ये होता है कि किसी एक टर्निंग पॉइंट पे आके पता चलता है कि उसके फादर जो एसपी है, उसकी फादर जो एसपी है, फादर को पता नहीं कि बेटी मेरी रिपोर्टर बन चुकी है ऑफिशियली। उनको पता है कि वह जर्नलिज्म लेके पढ़ाई कर रही है, वो कोर्स कंप्लीट कर चुकी है, ऑलरेडी एक चैनल ज्वाइन कर चुकी है, जो फादर को खबर नहीं रहता। और छुट्टी मनाने के बहाने वो अपनी नेटिव प्लेस आप पहुंचती है, अपने एक क्रू मेंबर साथ में, एक लड़की कैमरामैन रहता है, उसको लेके वो पहुंचती है वो, और वो कवरेज करना शुरू करती है, मतलब न्यूज़ कलेक्ट करना शुरू करती है। तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता है कि उस जगह के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी दुनिया को, इतना वहाँ अत्याचार, खराब काम, गैर कानूनी काम काफ़ी सालों से चल रहा है। अचानक दुनिया के सामने खबरें आना शुरू होती है, तो एक छोटी जगह, वो छोटी जगह धीरे धीरे हाईलाइट होने लगता है कि भाई यहाँ रेट ऑफ क्राइम बढ़ गया है या ये सब क्यों चल रहा है। तो जब विलन लोगों को पता चलता है, बोले कि भाई ये तो एसपी की बेटी है, एसपी उनके साथ साथ में है, मतलब सिस्टम के एक ऐसे हिस्से हैं जो उनके साथ मिल गया है, तो एसपी को दबाव आता है कि अपनी बेटी को बंद कर, मना करो इनको, इसका एक्टिविटी बंद कराओ, इसको भगाओ यहाँ से। तो इस तरह की चीज़ होती है। तो उसमें हमको ना एक ऐसी चेहरा चाहिए था जिसके कोई प्रीवियस कोई इमेज वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग, और छोटी शहर वाली लड़की चाहिए। तो लुक जो है ना, एक छोटा टाउन होता है, महानगर वाली लुक नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्न पढ़ी लिखी पॉश स्पेक्स वाली ऐसा रिपोर्टर नहीं चाहिए था। और साथ में वो बेटी भी है, कहीं माँ बाप है, तो एक लाडली का भी पार्ट है उसके अंदर, एक बेटी के अंदर एक लाडली लड़की भी होती है, तो वो भी क्लैरिफाई होना चाहिए था। तो वो दो कंबाइन करके उसको सिलेक्ट किया। आखिर में ये पूछना चाहूंगा कि इतने सीनियर एक्टर्स को आपने कन्विंस कितना करना मुश्किल था? कन्विंस करना मुझे तो किसी को मुश्किल नहीं हुआ कन्विंस करने में, क्योंकि जितने लोग हैं लगभग सबके साथ मैंने, समझ लीजिए मैं 1989 से इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं तो एकदम आई वॉज स्टार्टेड माई कैरियर एज अ स्पॉट बॉय इन फिल्म इंडस्ट्री, आई स्टार्टेड व्हेन आई स्टार्टेड, तो मैं अब काफ़ी सालों से इन सबको बहुत नज़दीक से जानता हूँ, तो इन्होंने भी मुझे देखा है कि मैं कैसे ग्रो अप किया, कैसे बड़ा हुआ उनकी आँखों के सामने हुआ। तो जब मैं आया उनके सामने तो मुझे कठिनाई कहीं नहीं हुई, मुझे ना किसी के घर जाने में कोई तकलीफ हुई। परीक्षित सानी जैसे सीनियर एक्टर भी रात 8:30 बजे जू वाले घर में बुला के अपने हाथ से रोटी पराठा बना के बोले खान, सर मैं नहीं खा सकता, मेरा खाना पीना आजकल कंट्रोल है। तो सबसे प्यार मिला तेज सप्रू जी, कल भी गया था घर के उनके कपड़े का ट्रायल वगैरह था, असरानी जी, राहुल तो दोस्त ही है, राहुल के घर भी 3-4 दिन पहले ही होके आया मैं। तो इस तरह से कठिनाई किसी को नहीं हुआ, और जो चीज़ मैं लेके आया वो आप मानेंगे नहीं, आप सबको पूछ सकते हैं जब मिलेंगे कोई, तो ये चीज़ इनसे इससे पहले उन्होंने कभी नहीं की। जो करेक्टराइजेशन उनको मैंने दिया है तो वो सब नायाब है। अब 300-350-400 फिल्में जी जी सर, होली में सर, वो तो आप ही ने सर पूरा तय करके दिया, मार्च में होली में रिलीज का तो आपने बना के दिया, उसी तर्ज पे चल रहा है काम। और क्या क्या तैयारियां? तैयारी सर अभी तो शूटिंग है 30 तारीख से कोलकाता में शुरू हो रही है, बोलपुर, और इसमें शुरू कर रहा हूँ मैं नॉन स्टॉप गाने सर, सब सर वही 90s के फ्लेवर मिलेंगे सर, जो गाने माने जाते हैं, मतलब जो गाने आज भी हम रेडियो में सुनते हैं या कभी एक जमाने में उसका सीडी वगैरह खरीदते थे। नहीं सर मेलोडी तो सर पूरा नहीं होते ना सर, आप रेडियो में तो सुनते होंगे सर, नए गाने बजते कहाँ हैं आज पॉप में, जाते गाने पॉप में सर अभी क्या है संजय जी, वो बाथरूम के शावर चला